दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं, और यहूदी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की किताबें यानी तौरात और जबूर के अंदर आपके नामे अहमद के साथ पेशनगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवारें गिरियां यानी दूसरी बार हैकले सुलेमाने की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वह जो दीवारी गिरिया है वह भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है ना रसूल और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि यह कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल भी था, इसलिए इनके अवलादों को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से यह नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज पर बहुत ज्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और कयामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ ये ही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूम नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उल्मा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे खत्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखिए कि पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वह अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून खत्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजीले मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात, जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्दू बदल के साथ मौजूद थी, वह रद्द हो गई, और अब तमाम यहूदी उल्मा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शानो शौकत और मानो दौलत जाती हुई नजर आने लगी। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक वताला ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक वताला ने अपने रसूले की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उल्मा ने ये की थी
कि अपनी मर्जी की बात निकाल के तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नाउज़ बिल्लाह, ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर ये आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस से छोड़ दिया गया। हैकले सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फलस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दरबदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इसराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वह ग्रेटर इसराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में थी, और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छीन गया, तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी यह सोचते थे कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मुकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा, असल शरीयत तो शरीयत मूसा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज बिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व ताला हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पैशन गोहियों को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और यह दोनों अल्लाह के ही अल्फाज है, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट बाइबल कहते हैं। किताबे मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सुलेमोन में 6:5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मदीम है, यरूशलम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवारें गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर ना सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियरली बयान कर रही है। और ये मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयात का क्या जवाब देते हैं? दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं, और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर जाहिरी तौर पर देखें तो यह बात काफी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नजर आ रहा है कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा प्यारा है। मगर सच ये है कि हमेशा इब्रानी जबान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा एम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयत को पढ़े तो इब्रानी जबान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज को मोहम्मदीम के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खुदा के लिए अलू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मगर इब्रानी जबान के अंदर अदब की वजह से इसे एलोहिम पढ़ते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि यहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज प्यार या शफकत के मायने में नहीं, बल्कि बकायदा
एक निहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है और जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उल्मा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है और उनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर, वह समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है। मगर वह सोचते थे कि वह नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए। अपनी अना खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, मगर जो बाकी बच गए इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि न तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदामालियों की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबियाए कराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुठलाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको चखना है, और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वह असल मसीहा समझकर इसकी फौज का हिस्सा होंगे, और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतेह हमेशा हक की होती है, और यह उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।